मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने। नौ लखा यानी कि गहना, और गहने किस औरत को नहीं पसंद है। गहने वो भी राजस्थानी मीनाकारी के हो तो सोने पे सुहागा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीनाकारी पेंटिंग के बारे में, जो कि है राजस्थान की। मीनाकारी इनिशियली किसी मेटल या टाइल पर ग्लास पाउडर की एनेमलिंग की आर्ट है। तो इसके कलर्स बहुत लाइवली होते हैं और ग्लास पाउडर की वजह से इसमें शाइन भी बहुत होती है। मोटिव्स की बात करें तो इसमें फूल पत्ती और पक्षी वगैरह, खासकर कि मोर और मछलियाँ, इन सब के शानदार डिज़ाइन और पैटर्न्स दिखते हैं। इनिशियली मीनाकारी जो है एक फारसी कला है, ईरानी लोग बनाते थे इसको, और मीनाकारी वर्ड भी फारसी के वर्ड मीनू से लिया गया है, विच मीन्स हेवन यानी स्वर्ग। तो मीनाकारी का मतलब हुआ स्वर्ग जैसे कार्य या फिर स्वर्ग जैसा कुछ काम। 16th सेंचुरी में अंबर यानी जयपुर के राजा मानसिंह ने फारसी मीनाकारों को राजस्थान में इनवाइट किया और उसके बाद उन्हें जयपुर शहर में ही बसा दिया। यहाँ उनसे जो मीनाकारी का काम है वो बड़े इंडियन स्टाइल में करवाया गया। लाइक इसमें जो मीनाकारी, जो फारसी मीनाकारी थी, उसमें फूल पत्ते और मोर और भी सारे पक्षियों का देसी तड़का लगाया गया और इस तरह इंडियन मीनाकारी सारी दुनिया में फेमस हो गई। शुरू में स्टार्टिंग में जो ये जो मीनाकारी का काम होता था, ये जो ज्वेलरी बनती थी, गहने गले का और झुमके मांगटी का, इवन उनके जो रानियों के मिरर्स होते थे उनमें भी मीनाकारी काम किया जाता था। तो दैट मीन्स उस टाइम पे जो मीनाकारी काम होता था सिर्फ रॉयल फैमिलीज के लिए होता था, क्योंकि आम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस तरह ये मीनाकारी का काम ज्वेलरी के रूप में, मीनाकारी और कुंदन का काम राजस्थान का बहुत फेमस हुआ। समय के साथ साथ इसमें चेंजेस भी आए। अब इसे शो पीसेस में, टाइल्स में, सेरामिक्स, बोन शाइना, मिरर ग्लासेस जो होते हैं, हर चीज़ में बनाना शुरू कर दिया गया इसे। अच्छा, पहले का जो ट्रेडिशनल मीनाकारी था वो मेटल यानी सोना चांदी या किसी इसी तरह की किसी धातु के ऊपर बनाया जाता था, किसी भी गोल्ड के, बेसिकली गोल्ड से स्टार्ट हुआ था ये। तो गोल्ड की ज्वेलरी में जो ये ग्लास पाउडर होता है इसकी एनेमलिंग करते थे, और एनेमलिंग जो करते थे वो हीट यानी कि आग से की जाती थी। तो वही अब इसे, जैसे मैंने बताया, टाइल्स पे, ग्लासेस पे और भी अलग अलग जगह पे, मतलब किसी भी सरफेस पे अब करना शुरू कर दिया गया एज अ पेंटिंग, और ये पेंटिंग भी बहुत फेमस है। तो कैनवास पे पेंटिंग करने के लिए जैसे क्या किया जाता है कि टेक्सचर टेक्सचर पेस्ट लिया जाता है, और जैसे एक कैनवास लिया, उस पे टेक्सचर पेस्ट का कोन बना के उसमें डिटेलिंग फिल की गई, सारे फ्लावर्स वगैरह उससे डिटेल सारी बना ली टेक्सचर पेस्ट से। उसके ऊपर ग्लास पेंटिंग के जो कलर्स होते हैं, लिक्विड कलर्स होते हैं, वो सब लगाए जाते हैं अपने पसंद के, खासकर लाइवली रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, यही 4-5 बेसिकली कलर्स हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। और फिर फेविकॉल से इसमें डेकोरेटिव जो मीना होती हैं, जो डेकोरेटिव बीज, और ये जो मीना, ये जो देख रहे हैं आप डिज़ाइन, ये सब, और ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं। तो इस तरह से ये आपने देखा, इसका मटेरियल आप कैनवास के लिए इस तरह से यूज़ किया जाता है, और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन होते हैं इसकी, बहुत लाइटली, बहुत कलरफुल। तो इस तरह से इसमें ये ग्लास कलर जो पेंट है उसे फिल करके, और बैकग्राउंड को भी कई बार पूरा का पूरा ही डार्क कलर से, डार्क, खासकर डार्क ब्लू से फिल कर दिया जाता है। सो होप यू लाइक इट। कल फिर मिलते हैं एक नई पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।